नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्रिप्टो एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। मैं इस वाले वीडियो के अंदर में सारे क्रिप्टोस के बारे में बात करने वाला हूं। हमेशा मैं अक्सर दो क्रिप्टोस के बारे में बात करता हूं, पर अभी मेरे हिसाब से सही टाइम है कि मैं बिटकॉइन और इथेरियम के साथ में बाकी जो सारे क्रिप्टोज हैं उनके बारे में भी बात कर लूँ। एक बार आपको रिविजन करता हुआ चलूँ कि क्या क्या हो रहा है और मेरा पोर्टफोलियो कैसा चल रहा है, उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने टेलीग्राम पे तो डाला ही हुआ है, तो आपको सबको पता है कि मैं कैसा काम कर रहा हूँ। एंड जो अकाउंट मैंने आप सभी के लिए ओपन रखा है, जो मैं सबको विजिबल करता हूँ, उस वाले अकाउंट के अंदर में क्या हो रहा है आप सभी को पता है, कितना परसेंट का रिटर्न क्या हो रहा है। सो वीडियो चालू करने के पहले, जैसे आप सभी को पता है, दैट इज प्योरली माई एनालिसिस, तो मेरे एनालिसिस को ध्यान से सुनिएगा। साथ में जब आप क्रिप्टोस के अंदर में कोई पोजीशंस बनाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ जितना पैसा आपका स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है उसका 1/10 ऑफ द अमाउंट आपका अब हमेशा जो होना चाहिए वो क्रिप्टोस में होना चाहिए। कुछ ना कुछ तो जरूर होना चाहिए, बिकॉज इट ऑल्सो गिविंग अ गुड रिटर्न ऑन द कमिंग ईयर्स। एंड हमने इतने सालों में देखा है कि ये बढ़ते ही जा रहा है और अभी और बढ़ने वाला है। सो वी हैव टू लुक फॉरवर्ड इट इन अ गुड वे। सो सबसे पहले मैं आता हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर एंड उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा बिटकॉइन के एनालिसिस हमने यहाँ पे किया था, इस सेटअप के ऊपर मैंने आपको बोला था कि ऊपर जाना चाहिए। वी हैव सीन के ऊपर गया है और मैंने उसी टाइम आपको बोला था कि मैं क्रिप्टो का एनालिसिस फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ एंड मैंने बहुत बार चेक करा, इसके पीछे मैंने बैक टेस्ट किया हुआ, काम तो सही कर रहा है। अब आप और मैं, हम दोनों मिलके इस जर्नी को पूरा जिएंगे, देखेंगे कहाँ तक जाता है क्रिप्टो, हम लोग कितना उसका बेनिफिट ले पाते हैं। सो ये वाले चाल के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इस बार नीचे आना चाहिए इस लेवल तक, 40,650 तक। देन अगेन आई मेड अ वीडियो एट दिस पॉइंट कि भैया ये जो लेवल आपको दिख रही है शायद आपको आने वाले टाइम में लेवल ना दिखे, तो कृपया इसको हल्के में ना लीजिएगा। तो हमने वहां से देखा कि 40,500 से ये 66,000 डॉलर्स तक आ चुका है। फिर ये फॉल हुआ, इसके दौरान मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट रियलाइज किया एंड अब मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा और डिप पे मिलेगा देन आई विल ट्राई टू बाय, और एल्स अगर ये डिप पे नहीं आता है, ऊपर की तरफ में निकलना चालू करता है यहाँ से, देन मुझे थोड़ा महंगे में खरीदना पड़ेगा तो भी चलेगा। एंड लेट मी जस्ट रिवाइज यू कि अपने टारगेट्स क्या है। अपने टारगेट्स है 1 लाख डॉलर के आसपास, एक बार मुझे लगता है बिटकॉइन ने जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मैं आपके सामने लाता हूँ। अभी मैं बात करता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर में अभी क्या सिनेरियो नजर आता है, अभी जिस प्रकार का यहाँ पे काम कर रहा है, अगर इसको अंदर थोड़ा सा पुल बैक अभी तो बन रहा है, इस पुल बैक के अंदर में वापस से 65,000 डॉलर तक बिल्कुल जा सकता है और वहां से फिर एक बार नीचे घुमाने की कोशिश करेगा। अब अगर यहां से ऊपर नहीं जा रहा है और इसी जगह के अंदर साइडवेज करता है तो क्या हुआ, क्या मतलब ये ज्यादा हमारे लिए नेगेटिव है या क्या? नहीं, अभी तक ये जो चाल बनी है इसके अंदर में, सर इतनी बड़ी चाल बनी है, नॉर्मल करेक्शन तो आएगी ना। तो नॉर्मल करेक्शन एक तो ये प्राइस वाइज देगा या टाइम वाइज देगा, प्राइस वाइज के लक्षण मुझे इसके दिख नहीं रहे, लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज्यादा कर सकता है। टाइम स्पेंड के दौरान ऑब्वियस सी बात है एक जगह पे तो करेगा नहीं, थोड़ा ऊपर जाएगा थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो मेरे हिसाब से अभी इसके पास में 1-2 हफ्ते के आसपास की करेक्शन पेंडिंग है, देन इसने एक अच्छी हेल्दी मूवमेंट चालू करना चाहिए। उसके पहले अगर निकलता हुआ दिखता तो आपको कहाँ पता चलेगा, आपको दिख जाएगा जब इसने 68,000 डॉलर को काट लिया होगा एंड उसके ऊपर में जाके अगर एक काम करना चालू करे तो आप समझ जाना है कि एक बार बिटकॉइन के अंदर में फिर ये बोलता है कि मैं यहां से करेक्शन नहीं करूंगा, थोड़ा ऊपर जाऊंगा मैं और वहां से फिर घुमा के नीचे। अभी तक एकदम शांत है, बिल्कुल शांत रहना चाहिए, 1-2 हफ्ते की इसकी करेक्शन और पेंडिंग है, देन इट शुड स्टार्ट अ गिविंग अ मूव। लेट मी टॉक अबाउट द इथेरियम। इथेरियम थोड़ा सा ज्यादा बुलिश शो कर रहा है, आपने देखा होगा टेलीग्राम के ऊपर मैंने पोस्ट किया, ये मेरा पोर्टफोलियो है, मैंने 26,000 के आसपास के मेरे पास जो बिटकॉइंस थे मैंने उनको बेच दिया। मैंने बिटकॉइन के अंदर ज्यादा पोजीशन नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा सा इस अकाउंट में मैं लिमिटेड कैश रखना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा एक स्पेशल अकाउंट है, उसके अंदर मैं पहले से उसके अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं चाहता नहीं कि दो दो जगह मतलब दिखाने के लिए अकाउंट है उसके अंदर में भी और बाकी जगह अलग अलग एक ही सेगमेंट में मेरा पैसा डूबा रहे, मतलब लगा हुआ रहे, इसलिए मैं नहीं रखा उसको, मैंने बुक कर लिया है। बट आई विल ट्राई टू गैप मोर एंड ऑल्सो मैंने इथेरियम नहीं लिया है, इथेरियम के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा इसका मेरे को लगता है टाइम वाइज करेक्शन पेंडिंग है। तो पॉलीगॉन मैटिक, मैटिक के अंदर मुझे 48% के आसपास का भी रिटर्न है, बाइनांस के अंदर में 23% के आसपास है, रिपल के अंदर में 10% के आसपास, कार्डानो फ्लैट है, तो कार्डानो शायद मैं उठाने की कोशिश करूंगा। एंड अभी मैंने इंट्राडे स्विंग स्टॉक्स के लिए वीडियो डाला है एंड आप सब लोग अगर मेरे पास में जुड़े हुए हैं, आप सब लोग मेरा वीडियो देखते तो आपको पता है अपना ऑफर अभी वैलिड है फॉर दिवाली,
मंथली पेड कॉल्स के अंदर आपको पता है कि मेरा साल में एक बार ऑफर आता है, उस ऑफर के अंदर मैं 1 month इज ओनली फॉर 5,400। एक महीने से आप कभी भी किसी आदमी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट कभी फेवर में होता है, कभी नहीं होता है, कभी साइडवेज होता है। आई विल हाईली सजेस्ट कि 3 months या 6 months के लिए आपने अप्लाई करना चाहिए। मेरे पास जो मेजर लोग हैं, दे ऑलवेज गो फॉर 6 month या 1 year, क्योंकि उनको पता है कि डायरेक्टली इनको इसके अंदर में 35% ऑफ हो जा रहा है। आपको 3 महीने, 2.5 से 3 महीना ऑलमोस्ट फ्री मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको उसके अंदर में बेनिफिट भी होता है एंड आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है, 25 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक अपना प्लान वैलिड है, ऑफर है, बिल्कुल इसका बेनिफिट लीजिएगा। इथेरियम के अंदर में मैं बात करता हूं। इथेरियम के अंदर में सर, ये यहां से इसने अपना काम चालू किया, नीचे की तरफ में ग्रीन लाइन से आके ऊपर जाके करेक्शन करके एक बार बाउंस लिया है। मैं थोड़ा सा डिप में इसको उठाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ एंड अभी तक ये अगर देखा जाए तो मैंने अभी तक इसके अंदर में 1 रुपया नहीं बनाया है। इथेरियम के अंदर में मेन अकाउंट है उसमें तो है, पर इस वाले अकाउंट में नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मैं उसका वेट कर रहा था। अभी कौन सी जगह है जहाँ पे मैं इसको उठाने की कोशिश करूंगा, अगर इथेरियम मुझे ये दिखता है कि एक तो ये यहाँ पे आ जाए 35-38 के आसपास, तो मैं इसको एक बार उठाऊंगा। या अगर अब इसको ये काट के यहां से रिटेस्ट करके ऊपर चलना चालू करें, तो मुझे इथेरियम उठाना पड़ेगा और फिर मैं शायद 50,000 के आसपास का उस इस वाले अकाउंट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा, तो इथेरियम भी अपनी एक नई चाल शुरुआत कर देगा। अभी तक क्या इथेरियम ने नई चाल शुरुआत किया है? नहीं किया है। अभी तक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में फंस रहा है, फंसेगा जरूर। एक बार थोड़ा सा और डिप देना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए एंड इसको तो मेरे हिसाब से दिसंबर के एंड में या दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में निकलना चाहिए अच्छी अच्छी चाल देने के लिए, अभी तक मैं जितना समझ पा रहा हूँ। एनीवेज वी विल लुक आफ्टर इट। कभी कभी क्या होता है, ये बिटकॉइन को देख देख के चलता है, इसके पीछे पीछे मूवमेंट आ जाती है, तो हमको इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको हल्के में नहीं लेना है। एंड इट इज एट 4,200। व्हाट वॉज माई टारगेट इज अराउंड 6,800 to 7,000 के आसपास इसको कम से कम जाना चाहिए, ऐसा मेरा एनालिसिस बोलता है। थोड़ा सा उसके ऊपर भी जा सकता है पर वहां तक इसने जाना चाहिए, तो लेट सी। अभी के सेटअप के मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ टाइम स्पेंड रहेगा तो ज्यादा बेहतर है। वैसे देखा जाए तो कर ही रहा है, पिछले 6 दिन से इसी जोन के अंदर में टाइम पास कर रहा है, और करे तो ज्यादा बेहतर है। और थोड़ा करेक्शन में नीचे मिलता है, वी विल ट्राई टू ग्रैब। क्या इसका ट्रेंड नेगेटिव हो गया है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो इसने चाल चालू किया था, इसका प्रॉपर करेक्शन किया, करेक्शन करके इसने प्रॉपर जो है यहां से अपनी चाल चालू किया एंड इसने बढ़िया अच्छी मूवमेंट दिया। अभी भी इसके टारगेट पूरे होने के हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अभी भी थोड़ा से 4,400 4,600 के आसपास पे थोड़ा सा जा सकता है, पर मैं वेट करूंगा इसके रीटेस्ट का। एक्सक्यूज मी, मैं वेट करूंगा इसके रीटेस्ट का और फिर अगर ऊपर जाके रीटेस्ट देता है देन आई विल ट्राई टू ग्रैब इट, वरना फिर अपन इसको थोड़ा नीचे आएगा तो ही देखेंगे। लेट मी टॉक अबाउट द कार्डानो। कार्डानो बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब अगर आपको इस लेवल पे मिल गया ना, मैं आपको पहले बोल चुका पर्पल लाइन ये छूने को नहीं आया है, पर अगर ये पर्पल लाइन के पास आपको अगर मिल गया तो सर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये आपको बहुत ही बढ़िया रिस्क टू रिवॉर्ड देके जाएगा। एंड मेरे पास में जो कार्डानो पड़ा हुआ है ये अभी तक 0. मतलब टोटल फ्लैट है 15,000 के आसपास है इसके अंदर मुझे, और कम से कम 30,000 के आसपास में डालना है, 30-35,000 के आसपास इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट मुझे और करना है। मैं वेट कर रहा हूँ इस जगह का, अगर मुझे मिल जाए ना 1.8 के आसपास, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, एक नंबर हो जाएगा, स्टॉप लॉस लिमिटेड हो जाएगा एंड देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव। इसके अंदर मूव कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, 4.6 से 4.8 के आसपास ये जाना चाहिए, मतलब डबल की ऑलमोस्ट मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर में भी एक बार डबल की चाल बन सकती है। पर करेक्शन है सर अभी थोड़ा सा, मतलब ये जो चाल चल रही है ना इसके अंदर में थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है। पर अब अगर देखो पर्पल लाइन के पास मिल गया तो बहुत ही लकी है, पर अगर अब इसने इस जोन को ऊपर की तरफ में काट दिया ऑरेंज कलर की लाइन को, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन आपके लिए मैं बना देता हूं। ध्यान से सेटअप को देखना, ध्यान से सेटअप को समझना, यहां पे ये ट्रायंगल बना रहा है और ये अगर इस बार यहां से काट चला तो सर ये अच्छी चाल बना के देगा। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्फिडेंस जो आ रहा है दैट इज अराउंड 2.3, तो 2.3 कटते बराबर कार्डानो कैन शूट अप टिल एटलीस्ट टिल 2.6, तो थोड़ी सी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे आपको बनती हुई दिख सकती है, तो आप इसके तरफ में भी ध्यान रख सकते हो। अभी तक सेटअप बिल्कुल तगड़ा है, बिल्कुल तगड़ा है। और आप बोलोगे सर इस टाइम पे मैं क्या करूं, सर इस टाइम पे पूरी क्वांटिटी ले नहीं सकते ना, मेरी तरह थोड़े से पैसा डाल के रुक जाओ,
जैसे मैंने उसके अंदर 15,000 डाला है, डाल के रुक जाओ, देखते नीचे मिलेगा तो ऐड कर देंगे, नहीं ऊपर निकलेगा तो कुछ ना कुछ तो अपने हाथ में है ना पैसा, उसके अंदर अपन ऐड कर देंगे, ऊपर में एवरेजिंग करेंगे। पर इस टाइम पे मैं कुछ भी लेके नहीं बैठा हूँ कार्डानो, ऐसी गलती मत करना, ठीक है। मैटिक, मैटिक का तो जलवा है, मैटिक प्रॉपर मेरी एनालिसिस के हिसाब से काम किया, जस्ट लाइक अ बिटकॉइन। और ये देखो, आप सभी को याद होगा इसके बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था, जब ये इस जगह पे काम कर रहा था 30 अगस्त, आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो, तब मैंने बोला था कि इसको घूमते फिरते एक बार ऊपर जाएगा, नीचे करते करते इस पर्पल लाइन तक आना चाहिए। भैया यहाँ से ऊपर गए, ऊपर से नीचे घुमाए, पर्पल लाइन को टेस्ट किए, और इस लाइन को टेस्ट करते बराबर मैंने ग्राफ क्या बनाया था, देखिए कि सीधा ऊपर जाना चाहिए। ये देखो आया, यहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है बिना किसी टेंशन के, ना एक बार ऐसा पूरा नीचे घुमाया, ना ऊपर घुमाया, ना टाइम पास किया, कुछ भी नहीं। चला करेक्शन प्राइस वाइज नहीं किया, टाइम वाइज किया, चला टाइम वाइज, चला टाइम वाइज, अब करेगा ऊपर में, अब निकला है। इसी के अंदर मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट अराउंड आई थिंक 48% के आसपास में इसके अंदर में रिटर्न मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं हमको मैटिक के अंदर में। तो मैटिक होल्ड करना चाहिए, दैट विल बी माई सजेशन। एंड मैटिक को तो सर कम से कम यहाँ तक तो आना ही है, इस लेवल तक 2.2 तक तो ये बिल्कुल आ सकता है, मतलब किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो ये सेटअप के साथ में काम कर रहा है, इसको 61 ये आएगा मेरे 1.2 डॉलर के आसपास में, एक बार इसने फंसना चाहिए। मैं आपको एक बार रिट्रेसमेंट लगा के दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर आउट हो जाएगा। ये एक लेवल है इसकी फंसने की, इसके लेवल आती है सर 1.90 के आसपास, और मैंने आपको बात किया है 2 डॉलर के आसपास। तो हाँ अगर जाना चाहते हो तो जा सकता है, पर अब ये उस जोन में आ रहा है जहां पे एक बार ये फंस सकता है। सो अगर मुझे 1.92 के आसपास मिलता है, आई विल ट्राई टू बुक माई प्रॉफिट, क्योंकि मैं यहाँ पे क्रिप्टोज में काम कर रहा हूँ, मैं स्टॉक्स के अंदर में काम नहीं कर रहा हूँ। प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट को रियलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो सकता है आज रात को ही मैं इसको बुक भी कर लूँ अगर ये यहाँ पे मुझे मिलता है तो, फिर अगर ऊपर जाएगा रुकेगा देन वी विल सी ना क्या काम करता है। पर अब इसके तरफ में ध्यान रखो, ये इस जगह के आसपास फंस सकता है, काटता है तो 2.2 डॉलर के आसपास में जाने की पूरी ताकत है इसके अंदर में। सो कीप एन आई ऑन इट, बहुत अच्छी चाल बना के निकल रहा है मैटिक। मैटिक को तो अंडर एस्टिमेट आपको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज द XRP। XRP को इस रेड लाइन के आसपास फंसना था, ये मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, अभी भी मेरा सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। जब तक इस रेड कलर की लाइन को ऊपर में क्रॉस नहीं करता 1.24, इसके अंदर में बड़ी चाल बनने की संभावना मुझे नहीं लग रही है। पर अगर मैं बताऊँ इसकी करेक्शन नवंबर के एंड तक या दिसंबर के स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगी, तो XRP अगर आपके पास में नहीं पड़ा है तो आप इसको उठा लीजिएगा। मुझे एक बार देखना पड़ेगा XRP कितना मेरे पास 38,000 के आसपास पड़ा हुआ है, मतलब 30-35,000 मैंने इसके अंदर में लगाए हुए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको इस लेवल को काटने बराबर मैं और इसके अंदर में एडअप कर दूंगा। तो कृपया आप इसके तरफ में भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा खिलाड़ी है, इसके भी टारगेट बड़े हैं। इसका टारगेट जो है ये 3 डॉलर के आसपास है, अभी काम कर रहा है 1.1, मतलब एक का डबल दो और फिर तीन, मतलब 200% के आसपास का मैं रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूं इन XRP। अभी के हिसाब से अगर यहाँ पे साइडवेज रहेगा तो इट इज ओके, पर इसके अंदर में सर एक हिंट मुझे मिल रही है। अगर आप मेरी लेवल्स को थोड़ा ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि यहां से ये बाउंस लिया था इस जगह पे, इस बार फिर प्रॉपर हैमर बना के चाल चालू कर रहा है। तो सर इस चाल को ना अंडर एस्टिमेट मत करना, ये चाल हो सकता है आपको अच्छा पैसा दे के जाए। और मैं यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन लगा लेता हूँ, अभी तक तो उस ट्रेंड लाइन के अंदर में ही है, पर अगर अब ये इसको काट चला तो सर आप समझ जाओ इसने एक हिंट दे दिया कि भैया मैं तो चला ऊपर, नजर बनाना चालू कर दो इसके ऊपर से। तो ये अगर 1.15 के ऊपर में आ गया, मतलब इसने ब्रेकआउट दे दिया, ये आपको सीधा मिलेगा 1.24 के आसपास में। सो कीप एन आई इसकी तरफ में, नजर बना के रखो, सेटअप बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट इज द बाइनांस, बाइनांस का 1 डे का चार्ट, बाइनांस का 1 डे का चार्ट ये आपके सामने आ गया है। बाइनांस ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन के साथ में चल रहा है, यहां से रैली चालू किया था, अपर एंड तक आ गया, ये इसका जोन है जहां पे इसको फंसना ही फंसना है, बराबर है। ये जोन के आसपास ऐसा जोन है जहां पे इसको एक बार फंसना ही फंसना है, फिर यहां से ऊपर की तरफ में निकलता है तो इस हाई पे आपको मिलेगा 680 के आसपास। आप सभी को पता है मेरा टारगेट इसके अंदर में है 1000 के आसपास, ज्यादा अगर जाने की कोशिश किया तो 1200 के आसपास भी बाइनांस बिल्कुल जा सकता है।
मेरी भी इसके अंदर में पोजीशन बनी हुई है, आई थिंक अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसके अंदर में मेरे 50,000 के आसपास मुझे दिख रहा है, 23% का रिटर्न इसके अंदर में है। तो ये भी ट्रेड अच्छा चल रहा है, जोन है एक बड़ी ग्रीन कैंडल। अब जो सेटअप बना रहा है ना सर, ये अब ये जो भी सेटअप यहाँ बना रहा है, कभी भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ में बना के फिर नीचे घुमा सकता है। तो ये अभी थोड़ा सा अपना ये चाल रुक रुक के चलता है, तो यहाँ पे रुक रहा है अभी, पर इसका टाइम जो है ना 1 हफ्ते के आसपास इसके पास टाइम होगा, देन अगेन इट विल बी रेडी टू क्रॉस इट अप ऑन द अपसाइड। तो कृपया बीएनबी के तरफ में भी, बाइनांस कॉइन के तरफ में भी आपको ध्यान रखना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एनालिसिस ऑफ ऑल द कॉइन्स, सारे कॉइन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो कृपया इसके तरफ में ध्यान रखिएगा। एंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग यू हैव गुड प्रॉफिट, डू लेट मी नो ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज प्रणव डॉट पटले। यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन द इंस्टाग्राम और यू कैन डायरेक्टली सर्च इंस्टाग्राम ऑफ डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, दोनों में से किसी भी भेजोगे तो मुझे दिख जाएगा। आई विल बी हैप्पी टू सी कि आप लोगों ने इसके अंदर में अच्छा पैसा बनाया। मैं बुक किया था, मैंने बिटकॉइन बुक किया, तो मैंने आपको टेलीग्राम पर डाल दिया था, अभी ये भी बुक कर लूंगा इसमें से कुछ ना कुछ, तो वो भी आपके लिए मैं डाल दूंगा। ठीक है, सो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए आपसे बिलो दिखती रही डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स, हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।